સૌથી પહેલા વાત કરીએ રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા જે ગુજરાતમાં પ્રવેશી ચૂકી છે અને રાહુલ ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા છે. હિન્દુસ્તાન મેં કોઈ જાત નહીં હૈ, સિર્ફ ગરીબ હૈ, અમીર હૈ, હૈ ના? એક ઉદ્યોગપતિ હૈ, ગૌતમ અદાની. આપ ઉસકો બહોત અચ્છી તરહ જાનતે હો, જાનતે હો ના? હિન્દુસ્તાન કે એરપોર્ટ અદાની, હિન્દુસ્તાન કે પોર્ટ અદાની, માઇનિંગ અદાની, પાવર જનરેશન અદાની, સોલર પાવર અદાની, વિન્ડ પાવર અદાની, હિમાચલ કે સેબ અદાની, જહાં ભી દેખો એરપોર્ટ, જહાં ભી દેખો, યે દેખો, યે ભી, જહાં ભી દેખો આપકો એક હી વ્યક્તિ દિખાઈ દેગા. રેલવે ભી હૈ ભૈયા, અગર સબ કુછ બોલના પડે યહાં પે મતલબ દો તીન ઘંટે લગ જાયેંગે. તો મેને મેઇન બાતે બોલી હૈ. તો રાજનીતિ કેસે હો રહી હૈ? दो तीन % लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है. मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है? रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है. इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, ये सच्चाई है. पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई. इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो. क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की. भैया आपने शर्ट खरीदी कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी. जीएसटी कितनी दी आपने? देखो आप जानते भी नहीं हो, आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा. मैं बताता हूं, 18% कितने की खरीदी थी? 1200 की. अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी. इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा है जितना अदानी दे रहे हैं. आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 73% के जेब से पैसा निकल रहा है. देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है. शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है. स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है. बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है. जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है. और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं. सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में. आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा. राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसने अंदर नहीं जाने दिए. अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे. आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा? गरीब कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना? 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था. अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने? पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर? बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे? गरीब एक देखा आपने? तो फिर हाँ,
ये हो रही है राजनीति। इसीलिए हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो मीडिया वाले, जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों कितना कर्जा माफ किया? 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया में दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है, एक मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अरबपतियों की मदद करने की है, 24 घंटा दिखेंगे। उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। पहले रास्ते थे, 73% के रास्ते थे। कौन से रास्ते थे? पब्लिक सेक्टर था, BHEL, HEL ये संस्थाएं थी। किसी को दिल में देशभक्ति थी तो कहते थे भैया आप जाके सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए। वो भी रास्ते रोक दिए। पब्लिक सेक्टर तो एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, देख लिया है। दो तरीके के शहीद हैं, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर, दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरे साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेकर आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? सवाल नहीं उठता। उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी। और उसके साथ जो लड़ेगा, जो अग्निवीर नहीं है, वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी, अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखभाल होगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो नतीजा आपको मालूम है, अग्निवीर क्यों आया, कारण क्या है? क्या कारण है? मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का बजट कम करना है, पेंशन का बजट कम करना है, और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हथियार खरीदने में डालना है। हथियार के इंडियन डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को जा रहे हैं। नई राइफल आ रही है, इसराइल में बनती है, अदानी जी का जॉइंट वेंचर है, यहां पे बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा है। पहले कारतूस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, अब आने वाले समय में गोला बारूद कारतूस अदानी जी बनाएंगे, राइफल अदानी जी बनाएंगे, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेगी। इंटरनेट पे जाओ, मेरी बात मत मानो, इंटरनेट पे जाओ, अदानी डिफेंस लिख लो, उसमें देख लो कहां की राइफल बन रही है, कौन सी राइफल बन रही है, ड्रोन कहां का है,
कैसे बेच रहे, सब लिखता हुआ है वहां पर। तो ये हो रहा है देश में, जनता को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, जात को जात से लड़ा देंगे, भाषा को भाषा से लड़ा देंगे, नफरत फैला देंगे, और फिर उसके बीच में आपका सारा का सारा धन सीधा वहीं दो तीन लोगों की जेब में चला जाए। ये लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में फर्क, यही लड़ाई हो रही है। आपने हमारा यहां इतने प्यार से स्वागत किया, यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अगले दिनों में मैं आपसे मिलूंगा, बहुत टाइम मिलेगा मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं विनती करता हूं मुकुल वासनिक। राहुल गांधी ने आज जालोद में सभा, गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लईने तेओ पहुंचा छे। जालोद में तेमणे सभा करी अने केंद्र सरकार उपर तेमणे आकरा प्रहार कर्या हता, साथे ज अदाणी ने ज देशनो रूपियो आपी दीधाना आरोप अने बीजा घणा बधा आरोप लगाड्या हता। राहुल गांधी नुं आजे भाषण हतुं ए स्वाभाविक रीते आदिवासी केन्द्रित हतुं, कारण के आदिवासी पट्टामांथी तेमनी आ यात्रा निकळवानी छे अने आदिवासी जे वोट बैंक छे ए बनी शके कदाच एमना टार्गेट उपर होय अने माटे ज आ जलद शब्दो सांभळवा मळ्या होय। पण बीजी बाजु आदिवासी नेता छोटू वसावा एमना द्वारा राहुल गांधी अने आ यात्रानो विरोध करवामां आव्यो छे। राहुल गांधीनी यात्रा सामे छोटू वसावा बैठक करवाना छे। स्वाभाविक रीते एमना दीकरा महेश वसावा हवे भारतीय जनता पार्टीमां जोड़ावा जई रह्या छे। 11 तारीख फाइनल थई चूकी छे, ज्यारे 11 તારીખે તેઓ જવાના છે, ત્યારે એમણે ટ્વીટ કરીને પણ માહિતી આપી છે કે તેઓ રાહુલ ગાંધીની આ યાત્રાનું વિરોધ કરશે। દેશભરમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 195 ઉમેદવારોનું નામ જાહેર કરી દીધું છે। બીજી બધી પાર્ટીઓ પણ પોતપોતાની રીતે ઉમેદવારો જાહેર કરી રહી છે। આખરે કોંગ્રેસ ક્યારે નામ જાહેર કરશે, ને એના માટે કોંગ્રેસમાં દિલ્હીમાં મંથન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક મળવા જઈ રહી છે, અજય પાસેથી જાણકારી મેળવીએ। અજય, देखिए निश्चित तौर पे महज एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसे में केवल दो पार्टियां ऐसी हैं जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने करीब 195 अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसने भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में अपनी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के इस बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सिर्फ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दो ऐसी पार्टियां हैं जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि वहां कुछ फाइनल है, लेकिन बिहार और दूसरे अन्य जगहों पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वहाँ पर अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला बाहर नहीं आया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी काफ़ी लेट चल रही है, लेकिन आज 6 बजे कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उसके पहले कई राज्यों के साथ परामर्श हुआ था और कई सारी सीटों पर चर्चा हुई थी, जिसमें आज करीब माना जा रहा है कि 100 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके नाम फाइनल होंगे। उसमें भी सबसे बड़े दो उम्मीदवार जिसमें कहा जा रहा है कि वायनाड से जो राहुल गांधी सांसद है, क्या वहाँ से वायनाड से वो एक बार फिर लड़ेंगे या अमेठी से भी लड़ेंगे और वायनाड से भी लड़ेंगे। प्रियंका गांधी क्या रायबरेली जाएंगी, क्या उसका कन्फर्मेशन आज हो जाएगा। तो ये दो सबसे बड़े चेहरे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की जो सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा आज उसी पर मुहर लगेगी। इसमें गुजरात के भी नामों पर चर्चा हुई है, तो माना जा रहा है कि गुजरात की भी कुछ सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बाकी जो अन्य राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी का करीब करीब क्लियर है, तो वहां पे करीब 100 उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल हो सकते हैं। लेकिन सबकी नजरें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है उनके नामों को लेकर के है कि उनका अनाउंसमेंट क्या पहली लिस्ट में होगा या नहीं होगा। लेकिन आज की यह बैठक शाम 6 बजे शुरू होगी और माना जा रहा है कि कुछ दिनों के भीतर ही पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आ सकती है।
जी कांग्रेस पार्टी आवी शके छे पण एमां गुजरातनी 26 माथी केटली बैठक हशे ए सवाल छे कारण के अहींया विकेटो पड़ी रही छे अने प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंह ए वातनो अणसार आपी चूक्या छे के बनी शके के उम्मेदवारो नाम भरे एनी पहेला छेल्ली घड़ी ए गुजरातनुं लिस्ट जाहेर थाय। जोवानुं ए छे के क्यारे थाय छे। आ बाजु भारतीय जनता पार्टी कोई पण कचाश राखवा नथी मांगती। फरी एकवार 26 बैठक जीतवानो टार्गेट छे 5 લાખની લીડથી વધારેની લીડ સાથે અને એના માટે જ અત્યારે જબરજસ્ત તડજોડ ચાલી રહી છે। એની સાથે સાથે અલગ અલગ સમાજોને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડવાના પ્રયત્નો સુરતની અંદર શરૂ થયા છે। જાણી આઝમ પાસેથી। આઝમ, નુપુર તમે જેમ જણાવ્યું તેમ બહુ મોટા સમાચાર સુરતથી આવી રહ્યા છે। ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જે સીઆર પાટીલ છે તેમનો એક માસ્ટર સ્ટ્રોક સામે આવી રહ્યો છે। સામાન્ય રીતે જોવા જાય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઇતિહાસના અંદર એમનો લઘુમતી મોરચો સૌથી કમજોર દેખાતો હતો, પરંતુ આજનો જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે એના અંદર કોંગ્રેસના માજી કોર્પોરેટર તો જોડાવાના છે, સાથે બહુ મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા, પરંતુ એ જ કાર્યક્રમની અંદર મુસ્લિમ સમાજમાંથી જે મેમણ સમાજ આવતો હોય છે તેના અંદર પણ ધોરાજી મેમણ સમાજના સૌથી મોટા કાર્યકર્તાઓ એના અંદર જોડાવાના છે, અગ્રણીઓ જોડાવાના છે। NSUIના માજી પ્રદેશ મહામંત્રી નિશિત પટેલ, મુકેશ પટેલ, ડેમી અને પ્રતિક પટેલ અને તેમની ટીમ પણ આજે સીઆર પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસનો હાથ છોડશે અને કેસરી ખેસ પહેરશે। બીજી તરફ આપણે જ્યારે લઘુમતી સમાજની વાત કરીએ તેમાં મેમણ મુસ્લિમ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાશે, જેમાં સામાજિક કાર્યક્રમ બિલ્ડરોની પણ હાજરી ઉપસ્થિતિ રહેશે। મેમણ સમાજના તકે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાના માજી ડેપ્યુટી ઇજનેર અબ્દુલ હાય અબ્દુલ અઝીઝ મુલ્લા તે પણ ભારત જનતા પાર્ટીમાં આજે જોડાશે, સાથે જ ઇલિયાસ ગુલામ મોહમ્મદ લોનાર ઉર્ફે પાપા તરીકે જે ઓળખાય છે, જે સુન્ની વોરા સમાજ મુસ્લિમ જે છે તેમના અગ્રણી છે તે પણ જોડાવાના છે। જુબેર હાજી જમાલ નોરાની ધોરાજી મેમણના જમાતના અગ્રણી છે તે પણ જોડાવાના છે। એટલે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ કાર્યક્રમ થશે, જેમાં મંત્રી મુકેશ પટેલની હાજરી ઉપસ્થિતિ રહેશે। આ સૂત્રો જાણવા એવું મળી રહ્યું છે કે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ અને મુકેશ મંત્રી જે છે પટેલ તેમનો આ મહત્વનો પ્રોગ્રામ છે, જેના અંદર અંદાજિત 2000થી વધારે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાશે। જી, આગળ વાત કરવી છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાશ્મીર પ્રવાસની। કલમ 370 કાશ્મીરમાંથી હટ્યા બાદ પહેલીવાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શ્રીનગર પહોંચ્યા છે। શ્રીનગર પહોંચ્યા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એમણે જૂના સંસ્મરણો પણ યાદ કર્યા અને એની સાથે સાથે કાશ્મીરને શ્રીનગરને ભેટ આપી છે। 6400 કરોડ રૂપિયાની ભેટ કાશ્મીરને આપી છે અને એની સાથે 370 હટ્યા પછીનું કાશ્મીર કેવું છે એની પણ એમણે એક ઝલક બતાવી છે। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। આગળ વાત કરવી છે ભ્રષ્ટાચારના પર્યાય બની ચૂકેલા હાટકેશ્વર બ્રિજની। ભ્રષ્ટાચારનો પર્યાય બનેલો આ હાટકેશ્વર બ્રિજ કે જેના કારણે લોકો અનહદ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, અનહદ મુશ્કેલી વેઠી રહ્યા છે અને આખરે હવે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આ બ્રિજ તોડી પડાશે। જોકે પહેલાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો તોડી પડાશે, પછી સમારકામની વાત અને હવે ફરી એકવાર પાછો નિર્ણય બદલાયો છે। ગૌતમ મારી સાથે જોડાયા છે। આખરે ગૌતમ, આ બ્રિજને લઈ લોકોની હાલાકીને લઈ કોર્પોરેશન કંઈ કરવા માંગે છે કે પછી નિર્ણયો જ બદલતી રહેશે? એક વાત એ હતી કે અમદાવાદની અંદર ટ્રાફિકની સમસ્યા પેચીદો સવાલ છે, પૂર્વ વિસ્તારની અંદર ટ્રાફિકની સમસ્યા મોખરે રહેતી હતી। હાટકેશ્વર બ્રિજ જે છે તે બંધ કરવાના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા મોખરે છે, પરંતુ અનેક વખત રજૂઆત થઈ હાટકેશ્વર બ્રિજ જે છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો, પરંતુ હવે તેનું ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે તે પ્રકારની વાત સામે આવી રહી છે। એટલે કે હવે હાટકેશ્વર બ્રિજ મુદ્દે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા જે છે તે થશે। 71.50 કરોડના ખર્ચે આ જે બ્રિજ જે છે તેનું નિર્માણ કામ જે છે તે થવાનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। AMC દ્વારા 2 વખત આ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા કે તેનું સમારકામ થાય, પરંતુ 2 વખત જે કોન્ટ્રાક્ટરોની નિરસ્તાની બાદ હવે તેને ડિમોલિશન કરવાની વાત જે છે તે સામે આવી રહી છે। તેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે, તેનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે અને હવે આ ટેન્ડર જે છે તે એક જ વ્યક્તિ કરશે, તેનું તમામ પ્રકારની કામગીરી જે છે અને જાળવણી સહિતની જે કામગીરી એક જ વ્યક્તિ કરશે તે પ્રકારનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે।